आज हम लोग को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, आज पढ़ना हम लोग को क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है इसको आज हम लोग को समझना है। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे आज जो भी हम लोग बनाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको भाग आज एक देखना है, हम लोग कल भाग दो देख लेंगे। सबसे पहले लिखा गया है आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी पार्टी का दर्जा कब मिला था। आप लोगों को ध्यान देना है जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था। आपका आंसर हो जाएगा 2023 में। दूसरा प्रश्न क्या है ध्यान रखिएगा, किस राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था। उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है जो 2000 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, सृजन नहीं हुआ था। उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तीसरा प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राज्य का सृजन 1966 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य का सृजन 1966 ईस्वी में हुआ था। उत्तर हो जाएगा हरियाणा। उत्तर हो जाएगा हरियाणा को कब किया गया था, 1966 में। यहाँ पर लिखा गया 4 नंबर 22 मार्च 2022 ईस्वी में सीमा विवाद के कारण दो राज्य आपस में लड़ रहे थे, वह कौन राज्य है। दो को राज्य का नाम बताना था, वह कौन राज्य है, उस राज्य का नाम हम लोग को बताना है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा आप लोग का मेघालय, मेघालय, और हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा असम। याद रखिएगा मेघालय और का हो जाएगा असम। ये 22 मार्च 2022 को या मार्च में, ये 22 मार्च नहीं कर सकते हो, मार्च लिखा नहीं कर सकते हो, मार्च कब 2022 में सीमा विवाद के लिए मेघालय और असम आपस में लड़ रहे थे। एक और प्रश्न हो जाएगा का भाई, पांचवा प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है, पांचवा प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है। उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में भारत के राज्यों का पुनः गठन किस आधार
पर हुआ था। उत्तर हो जाएगा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठन हुआ था। इसको थोड़ा सा देख लो, इसको थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे प्रश्न है। अनुच्छेद 370 के अनुसार अनुच्छेद 370 के अनुसार किस राज्य का विशेष दर्जा मिला है। अब आप लोग को ध्यान रखना है किसको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सातवां प्रश्न क्या है थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना, सातवां प्रश्न क्या है थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना है। उत्तर हो जाएगा सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना है, सिक्किम बना है। आठ नंबर सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है। क्या है और उत्तर हो जाएगा 22वां राज्य बना था। नौ नंबर प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया था। उत्तर हो जाएगा 1984 ईस्वी में। दस नंबर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में हुआ था। उत्तर हो जाएगा पंजाब में। उत्तर हो जाएगा पंजाब में। उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब में। नोट हो गया। अब चलिए आप लोगों को
ग्रहणा प्रश्न के बारे में जानना है। उन्नीस सौ 1972 में भारत का कौन कौन राज्य स्वतंत्र हुआ, क्या बताया जाए? 1900 उत्तर हो जाएगा आपको। 1972 में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र बना? उत्तर हो जाएगा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारा प्रश्न हो जाएगा। सिक्किम भारत में कब विलय हो गया था? उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 13 है दो हजार उन्नीस के पहले इस राज्य में अपना बनाया था। उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। 14 आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? उत्तर हो जाएगा असम। 15 नंबर प्रश्न है, ईस्वी में जम्मू और कश्मीर का राजा कौन था? उत्तर हो जाएगा राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह
सोलह अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? उत्तर हो जाएगा पंजाब, 17 हो जाएगा समझौता किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। 18 हो जाएगा 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 20 नंबर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1963 में। उत्तर हो जाएगा 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 ईस्वी में हुआ था।